तो स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ब्रीदिंग मींस होता है रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना। इस रेस्पिरेशन जो होता है, इस रेस्पिरेशन पॉइंट्स पे, और सेकंड जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम किसको लेते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या लेते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है उसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं। यही हमारा रेस्पिरेटरी गैस है, ओके। यही हमारा रेस्पिरेटरी गैस है। इसी के एक्सचेंज, इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन ऑल आर थिंग्स जो स्टडी करेंगे कि बॉडी में एंटर कैसे करता है, बाहर कैसे जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं। जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी का, जो बाहर से इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कैसे हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि इस ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के लिए जो हमारे पास होते हैं, हमारे लिए इसके लिए ऑर्गन्स है, ओके। इस रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग करने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स हैं, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। जो पहला पॉइंट होता है रेस्पिरेशन के लिए हम डिवाइड करते हैं, पहला तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। और सेकंड होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ओके। ब्रीदिंग एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब कैसे बॉडी में एंटर कर रहा है और बॉडी से बाहर जा रहा है। इस प्रोसेस के लिए, इसको समझाने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचता है, और लंग्स इज जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो हम देखते हैं कि हमारे लंग्स तक पहुंचता कैसे है, जिसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं सबसे पहले नोज, नोज, नोज के बाद कहां आता है, फेरिंग्स में, ओके। नोज के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद आता है जो हमारे आवाज कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स, नोज, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया। इसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, विंड पाइप, हम इसे बोलते हैं विंड पाइप, ओके, विंड पाइप। और हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वन पेयर, वन पेयर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये हमारा लंग्स, ओके। लंग्स को और किस नाम से जानते हैं, पल्मस, ओके। लंग्स को किस नाम से जानते हैं, पल्मस, दिस अ साइंटिफिक नेम, पल्मस, ओके। अब आप देख सकते हैं जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से होते हुए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और इस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है, तो रियल में किस गैस का एक्सचेंज होता है, दीज आर रेस्पिरेटरी गैस, ओके, रेस्पिरेटरी गैस। इसी के बेस पे हम ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन वर्ड यूज करते हैं, ओके, दीज आर क्लियर। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। आप देखेंगे ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मानव श्वसन तंत्र। ओके स्टूडेंट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं, अगर आप बात करें तो हमारे पास जो है, दीज आर ओके, ओके आप देख सकते हैं, दीज आर क्लियर। दीज लैरिंग्स, ग्लॉटिस एवं उपोय ग्लॉटिस, दीज आर ट्रेकिया, दिस ट्रेकिया द फिफ्थ वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ओके, दीज आर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ओके, देयर ओके, ओके दीज आर राइट लंग्स, दीज आर राइट लंग्स, ओके दीज आर लेफ्ट लंग्स, दीज आर लेफ्ट लंग्स, ओके दीज आर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, क्लियर। दीज आर प्लूरल कैविटी, दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन। Plural membrane, okay? These are plural membrane. Clear? These are cardiac notch. ओके, दीज आर ओके, ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्लियर करना है, आपको यह देखना है कि आप देख रहे हैं
इसके बाद हमारे पास जो है हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए ओके ओके दीज आर डायफ्राम ओके डायफ्राम ओके दीज आर डायफ्राम दीज आर मिड ऑफ कट ओके कट एंड ऑफ मिड रिब कट एंड ऑफ मिड रिब ओके कट एंड ऑफ मिड रिब ओके कट एंड ऑफ मिड रिब्स क्लियर हेलो स्टूडेंट्स कट एंड ऑफ मिड रिब्स दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स ओके रिब को कट करें दीज आर रिब में प्रेजेंट इंटरकोस्टल मसल्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स डायफ्राम्स दीज आर फ्लूइड्स प्लूरल फ्लूइड्स ओके दीज आर प्लूरल फ्लूइड्स दीज आर प्लूरल फ्लूइड्स ओके फ्रेंड्स दीज आर प्लूरल फ्लूइड्स दिस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बेटर अंडरस्टैंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझने के लिए इस पूरे सिस्टम को आपको इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना आप रेस्पिरेटरी सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में एम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट इनका फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ओके इसलिए इन मैकेनिज्म को स्ट्रक्चरली आपको जानना बहुत जरूरी है ओके दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बेटर अंडरस्टैंड आपको अच्छे समझने के लिए स्ट्रक्चर को जानना आप स्टूडेंट स्ट्रक्चर आपको मेमोराइज रहा एक एक पॉइंट एक एक पार्ट क्लियर रहा तो आपको कोई भी मैकेनिज्म और एग्जैक्ट पॉइंट से आपको कोई नहीं आपके दिमाग को बिना समझे रुक ही नहीं सकता ऑल आर थिंग क्लियर ओके आप देख सकते हैं दीज आर इनकम्प्लीट सी सेफ कार्टिलेज ओके सी सेफ कार्टिलेज सी सेफ कार्टिलेज ओके
ओके। तो आप देखेंगे दीज आर लेफ्ट ट्रेकेज डिवाइडेड इन फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा कैरिना, सो कैरिना बोलते हैं जहां से ये बाइफर्केट होते हैं, और ये जो है ये नॉन कोलेप्सिबल, इसके कारण जो रहते हैं नॉन कोलेप्सिबल आप देख सकते हैं, और ये जो है अपने टर्सरी ब्रोंकियल्स तक रहते हैं, उसके बाद से ये जो अपने इनकम्प्लीट कार्टिलेज रहता है नहीं रहते। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दीज आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, दीज आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनिशियल, दीज आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और हमारे पास एल्विलर डक्ट, एल्विलर डक्ट, एल्विलर डक्ट, एल्विलर सेक एंड एल्विलाई। ओके, आप देख सकते हैं दीज आर मेन कैपिलरी ब्लड। ओके, दीज आर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ओके, दीज आर हार्ट। ओके, कार्डियक नोच, क्लियर। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, क्लियर। इनमें सिर्फ वन ही होता है, अगर आप देखें केवल वन ही होता है। ओके, फीसर्स, लोब, ऑल आर थिंग दीज आर क्लियर। ओके, अगर हम रिप्स को भी दिखाना चाहे तो यहां से हम रिप्स को भी दिखा सकते हैं, दीज आर रिप्स। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके सेवन पेयर ट्रू। अगर आप दिखना चाहे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। दीज आर रिप्स, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ट्रू रिप्स। ओके, क्लियर। आप देख सकते हैं दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी, ओके। क्लियर, दीज आर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग, दीज आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, दे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, वी नो दैट अबाउट दीज आर स्टार्टिंग फर्स्ट, दीज आर नोज। ओके, नोज,
नोज। ओके, अगर हम नोज, अब अपने इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए आप अपने आप में इमेज कीजिए। ओके स्टूडेंट, आप इमेज कीजिए नोज। नोज में आप देख रहे हैं जो बाहर से जो दिख रहा है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। नोज में क्या रहता है अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो आपको बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद जो बीच में जो गोल जो अंदर में जो पोर्स दिखते हैं उसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। ओके, क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, ओके, दीज आर नोज, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इसी को जब एनवायरमेंट नोज से रहता है तब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दीज आर एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट एनवायरमेंट्स, एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, ओके, वही ऑक्सीजन जो है कहां आ रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे गैस आए नोज के थ्रू, दीज आर कलेक्ट हुए नोज से, ठीक है ना, ये पूरा बोन्स है हमारे, नेजल चैम्बर्स बोन्स है पूरे। सभी कहां ओपन होते हैं? ओके, ओके, दीज आर फैरिंग्स। ओके, फैरिंग्स, ओके स्टूडेंट, दीज आर फैरिंग्स। फैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। ओके, जो नेजल पार्ट, नेजल चैम्बर, बोन्स, वहां से फिर एयर किसमें है? फैरिंग्स। ओके, फैरिंग्स अगर हम देखते हैं, फैरिंग्स जो रहता है ये इसके थ्री पॉइंट्स और थ्री फर्केशन जो है ये कनेक्ट रहते हैं, ओरल, लैरिंग्स और नोज। अगर ये अगर हमारे नोज से कनेक्ट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेजोफैरिंग्स। ओके, नोज से कनेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं उसको? नेजोफैरिंग्स। ओके, अगर हमारे दिसर माउथ से कनेक्ट है हम उसको क्या बोलते हैं? ओरोफैरिंग्स। ओके, और ये हमारे डायरेक्ट लैरिंग से कनेक्ट है तब हम इसको क्या बोलते हैं? लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। ओके, दिस आर फैरिंग्स जंक्शन। ओके, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपने जो रहता शॉर्ट पैलेट, दिस दिस एरिया इज नोन एज फैरिंग्स। ओके, दिस आर एपिग्लॉटिस, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ओके, एपिग्लॉटिस यहां पे हम देखते हैं, दीज आर ग्लट। एपिग्लॉटिस किसको किसको कवर अप करता है? ग्लट, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस किसको कवर करता है? ग्लॉटिस। ओके,
दीज आर लैरिंग्स। ओके लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम ही क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जिससे हमारी आवाज निकल रही है। ओके साउंड बॉक्स। ओके स्टूडेंट दीज आर साउंड बॉक्स। ओके लैरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया, हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया, दीज आर ट्रेकिया। ओके ट्रेकिया, 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 ट्रेकिया आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया इसको बोलते हैं विंड पाइप, हवा की नली, विंड पाइप। आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रेकिया जो है, जो उसका फर्स्ट पार्ट जो रहता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया जो रहता है, ये जो जहां से डिवाइड होते हैं, ये जो डिवाइड होता है, अगर आप इसको देखना चाहे तो ये जो डिवाइड्स होते हैं, ये होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के पास डिवाइड होता है हमारे ट्रेकिया। ट्रेकिया जो डिवाइड होता है, ये बाइफर्केशन जो होता है, बाइफर्केशन ये होता है फिफ्थ। ओके फिफ्थ थोरेसिक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के पास बाइफर्केट होके दीज आर राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ओके दीज आर राइट लंग लेफ्ट लंग, राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग ऊपर होता है लेफ्ट लंग छोटा होता है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, लंग्स है, ये लंग से बोलता हूं लीवर है। ओके लीवर के, लीवर के जस्ट इसके अबव जो राइट लंग, राइट साइड में लीवर है, लीवर के कारण थोड़ा सा ऊंचा रहता है, थिकर होता है, हैवियर है, लॉन्गर है, इसके कंपेयर में ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं, हैवीएस्ट होते हैं। यहाँ पे कार्डियक नोच हार्ट के कारण थोड़ा सा इसका साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा इसके नीचे में थोड़ा नीचे होता है, जिस आर अबव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। हम देखते हैं दीज आर सी शेप, सी शेप इनकम्प्लीट रिंग कार्टिलेज, सी शेप इनकम्प्लीट, सी शेप इनकम्प्लीट, सी शेप इनकम्प्लीट। ओके इनकम्प्लीट कार्टिलेज, कार्टिलेज, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस रिंग। ओके जो होता है नंबर 15 टू अबाउट 15 टू 20 के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ओके इसके कारण क्या रहता है, जब हम एयर यहां से पास होते हैं तो सिकुड़ता नहीं है, नॉन कोलैप्सिबल। ओके अब देखेंगे आप दीज आर राइट ब्रोंकस। ओके अगर आप देखते हैं दीज आर, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है, अगर हम देखते हैं कट एंड ऑफ मिड रिब, कट एंड ऑफ मिड रिब, कट एंड ऑफ मिड रिब। ओके अगर हम बीच में देखते हैं इनमें, तो इनमें होता है इंटरकोस्टल मसल्स। ओके इंटरकोस्टल मसल्स,
इंटरकॉस्टल मसल्स, ओके इंटरकॉस्टल मसल्स, अब हम देखते हैं जो हमारा लंग्स है, राइट साइड जो लंग्स है, ये जो है राइट साइड है, राइट साइड, राइट साइड, दीज आर लेफ्ट साइड, ओके दीज आर राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ओके राइट साइड लंग, लेफ्ट साइड लंग, ओके अब देख सकते हैं। अब हमारे पास जो बातें हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, हम आउटर से अंदर की तरफ चलते हैं, दीज आर पेराइटल प्लूरल लेयर, ओके पेराइटल, पेराइटल प्लूरल, पेराइटल प्लूरल लेयर, ओके फिर हम देखते हैं इनमें जो फ्लूइड्स है, ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स, ओके अगर यहाँ की बात करें तो आज स्ट्रक्चर को अच्छे से क्लियर कर देख सकते हैं, दीज आर पेरा प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड्स, प्लूरल फ्लूइड्स, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ, प्लूरल कैविटी जो प्लूरल कैविटी देख रहे हैं, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड्स, प्लूरल फ्लूइड्स, प्लूरल फ्लूइड्स, ओके आखिर फ्लूइड्स का क्यों इस फ्लूइड्स यहां पे रहते हैं, ये फ्लूइड जो रहते हैं जब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा तो फ्रिक्शन लेस उसको किसी प्रकार के रप्चर, किसी प्रकार के इंजरी होने से बचाते हैं। अगर इनका अमाउंट बन जाए तो इसे डिजीज हो जाता है प्लूरिसी, अगर इसको हम एक्सरे में देखेंगे तो ऑल आर व्हाइट दिखता है, जिसको बोलते हैं लंग्स में पानी भर गया, ओके नॉर्मल। तो प्लूरल कैविटी फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड्स जस्ट इसके इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल प्लूरल लेयर, अगर हम इसकी बात करें, ओके विसरल विसरल प्लूरल, विसरल प्लूरल लेयर कनेक्टेड विद डायरेक्ट लंग से, विसरल प्लूरल लेयर, विसरल प्लूरल लेयर, ओके दीज आर राइट लंग्स, ओके दीज आर राइट लंग्स। अगर हम राइट लंग्स की बात करें तो आप देखिए थ्री लोब्स, 1, 2, 3 अपर मिडिल और लोअर लोब, ओके टू फिशर हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक, ओके इसके और फीचर्स क्या है आप देख सकते हैं, लॉन्गर हैवियर हैवियस्ट, लॉन्गर हैवियर, ओके थिकर और थोड़ा जस्ट अबव टू लेफ्ट लंग, ओके ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लंग ए लीवर, लीवर के प्रेजेंट कारण थोड़ा ऊंचा होता है, ओके दीज आर नोन एज डायफ्राम, ओके डायफ्राम, डायफ्राम दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम एक रेस्पिरेशन में लगभग अबाउट 75% जो रोल होता है डायफ्राम का होता है। इसी में देखा गया है आप अगर कोई मान लो कोई स्टूडेंट्स है, कोई बॉयज है, बहुत स्पीड से बाइक में जा रहा है, अचानक ब्रेकर है, ब्रेकर से गिरा, एनी ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ और देखते हैं गिरने के बाद उठता ही नहीं है, ओके क्यों, क्योंकि डायफ्राम फट जाता है और डायफ्राम फटने के बाद उनकी मौत सडन डेथ हो जाती है, ओके
तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो, इसलिए गाड़ी स्लो चलाइए और जर्क से बचिए. ओके, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डायफ्राम. तो हम देख रहे हैं, देखो फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब. ओके, फर्स्ट फिशर, सेकंड फिशर. ओके, दिस आर फर्स्ट लोब, ओके क्लियर. अब देखिए हम राइट लंग्स के बारे में, हम राइट लंग्स के बारे में कुछ चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कशन करते हैं. राइट लंग्स, ओके राइट लंग्स की बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर राइट लंग्स. ओके, सबसे पहले जो राइट लंग्स होते हैं, जो राइट लंग्स होता है, और राइट लंग सबसे पहले तो थोड़ा एबव होता है, एबव ड्यू टू प्रेजेंट ओके लीवर के कारण ये क्या, थोड़ा ऊपर होता है. ओके, सेकंड थिंग्स, थ्री लोब्स टू फिशर्स. ओके, थ्री लोब्स होते हैं. थ्री लोब्स में आप देखेंगे, ओके अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब. ओके, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब. ओके, टू फिशर अगर हम बात करें तो टू फिशर्स है. दीज आर हॉरिजॉन्टल फिशर्स. हॉरिजॉन्टल फिशर्स और ऑब्लिक फिशर्स. ओके, क्लियर, हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक फिशर्स. फिर अगर हम फिर बात करते हैं, आप देख सकते हैं, ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिकर, हैवियर, लॉन्गर. ओके, आप देख सकते हैं, थिकर, 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 लॉन्गर, थिकर, लॉन्गर. ओके, थिकर, लॉन्गर, हैवियर, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइट लंग्स. ओके, अब राइट लंग्स के फीचर देख सकते हैं, थ्री लोब्स, टू फिशर्स, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, अपर, मिडिल एंड लोअर. ओके, दिस आर राइट ब्रोंकस भी यहाँ पे आके पूरे करवट रहता है. ओके, राइट ब्रोंकस, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, आल्सो नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस. ओके, सेकेंडरी ब्रोंकियल्स, फिर टर्सरी, फिर ब्रोंकियल्स, इनिशियल ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी डक्ट, फिर आके फिर एल्विलर डक्ट, एल्विलर सेक, और उसके बाद एल्विलस, जिसमें फाइनली गैस एक्सचेंज होता है. दिस ऑरल स्ट्रक्चर्स हियर, जस्ट जो राइट लंग में है, जस्ट राइट लंग जो रहता है, लेफ्ट लंग जस्ट इसका अपोजिट होता है. ये होता है थिनर, शॉर्टर और लाइटर. ओके, दीज आर स्पेशल, लेफ्ट लंग का जो आइडेंटिफाई है कार्डियक नोच. ओके, दीज आर कार्डियक नोच, कार्ड पार्ट इज सिचुएटेड हियर. ओके, जहां से बाइफर्केशन होता है, हम फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. ओके,
जहां से बाइफर्केशन होता है ट्रेकिया, हम उसको बोल सकते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। ओके, इस पॉइंट्स पर होता है। अब देखिए, अगर हम देखते हैं यहां से तो ऑल स्ट्रक्चर, जितने भी इसकी बाहरी स्ट्रक्चर है सब नोट कर लिए। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो रियल पॉइंट्स पर है वहां से हम बात करते हैं। अब देखिए, दीज आर ओके लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, दीज आर सेकेंडरी सेकेंडरी ब्रोंकस। ओके, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर आप देख सकते हैं टर्सरी ब्रोंकस या टर्सरी ब्रोंकियोल या ब्रोंकस या ब्रोंकियोल। ओके, ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस, क्लियर। अब हम देखते हैं टर्मिनल, जो इनिशियल जो ब्रोंकियोल है वहां तक, इनिशियल ब्रोंकियोल्स आप देखेंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ओके, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स इनिशियल ब्रोंकियल तक आप देखेंगे कि ये सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेज इनिशियल ब्रोंकियल तक रहता है। इसके बाद से फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स। ओके, इसके बाद आप देखेंगे इसके अराउंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर होता है रेस्पिरेटरी डक्ट। ओके, फिर बनता है, चालू होते हैं रेस्पिरेटरी डक्ट। ओके, फिर यहीं पे हम चालू कर सकते हैं रेस्पिरेटरी डक्ट। रेस्पिरेटरी डक्ट, रेस्पिरेटरी डक्ट, फिर आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी डक्ट। ओके, फिर रेस्पिरेटरी डक्ट के बाद होता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। फिर यहां पे बात चालू होती है एल्वियोलर डक्ट। ओके, एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद हमको मिलता है एल्वियोलर सैक, सैक। ओके, इसके बाद होता है एल्वियोलर, एल्वियोलर सैक। ओके, आप देख सकते हैं एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक के बाद ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं, ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई,
एल्विओली इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, इसे को बोलते हैं बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स, बेसिक फंक्शंस यूनिट ऑफ लंग्स, और यहीं पर होता है फाइनल गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज यहां पे होता है गैसियस एक्सचेंज, ओके गैसियस एक्सचेंज। दिस ऑल स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड टू नो, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद ही आप सब चीजों को समझ पाएंगे। और लेफ्ट लंग जो रहता है जस्ट बिलो होता है, जो इसके फीचर्स है आप देख सकते हैं, दिस साइड इज लेफ्ट लंग, ओके लेफ्ट लंग क्या होता है जस्ट बिलो, बिलो एज कंपेयर टू राइट, बिलो होता है नीचे होता है राइट के कंपेयर में, ओके थिनर होता है, थिनर होता है, ठीक है लाइटर होता है, हल्का होता है थोड़ा सा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिट टू नो, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है दीज आर नोन एज कार्डियक नोच, लेफ्ट लंग का जो फीचर्स है कार्डियक नोच, दीज आर हार्ट आप देख सकते हो, हार्ट इज लोकेट कार्डियम, ओके कार्डियक नोच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लेफ्ट लंग इज अ यूनिक फीचर्स अगर बोला जाए तो, लेफ्ट लंग अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो कार्डियक नोच इज प्रेजेंट, ओके और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें नहीं होता, ठीक है बिलो थिनर लाइटर और शॉर्टर, किसके कंपेयर में राइट लंग, दीज आर कंपेयर टू राइट लंग, दिस ऑल आर कंपेयर टू राइट लंग, ओके कंपेयर टू राइट लंग्स, दिस ऑल आर स्ट्रक्चर कंप्लीटेड हियर अगर हम बात करें, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा ह्यूमन लंग्स होता है वो सॉलिड होते हैं, अब देख रहे हैं पूरा मसल से भरा हुआ है, अगर हम फ्रॉग का देखें तो फ्रॉग का हॉलो होता है, ओके इसलिए हमारे जो लंग्स होता है जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ओके दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फिर हम स्टार्टिंग करते हैं, ऑल आर क्लियर, दिस ऑल आर क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर कट इसको रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आए। अब इसी में इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिजियोलॉजी, ओके इसका फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम चल रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नोज है, नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो बाहर से दिखता है और चैम्बर जिसके थ्रू गैस, जिसके थ्रू जो अपना जो रेस्पिरेटरी गैसेस से अंदर आएगा और जो अनडिजायर गैस है वो बाहर आएगा। तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो होता है ये जो गैस होता है इन्वायरमेंटल गैस जो रहता है नोज के थ्रू ही लंग्स तक आता है। और ये जो एल्विओली दिख रहा है इसमें ब्लड, एकदम स्मॉलेस्ट ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो पहले लंग्स, लंग्स में क्या बोलते हैं प्यूरिफाइज होता है, फिर वो बॉडी में, फिर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो लंग्स में यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैस, जो यहाँ पे एक्सचेंज गैस होता है उसको एक्सटर्नल, अगर हम यहाँ से जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और ब्लड और टिश्यू में जो हमारे सेल्स के अंदर टिश्यू में हो रहे हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो रहता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें अपना एनर्जी रिलीज होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे ही गैस अंदर आता है
ट्रैक्ट का मतलब होता है जो अपने गैस एक्सचेंज में एक्सचेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो उसको वे ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नोज, नोज को आप देखते हैं जैसे आते हैं फेरिंग्स, नोज से गैस आया फेरिंग्स में, ये किससे रिलेटेड है, तो दो चीज से रिलेटेड, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स तो माउथ वाला हो गया, तो नेजोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स से कनेक्ट होते हुए फिर आया एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो रहता है आप देख सकते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करके रखता है। जब हम सांस लेकर खाना खा रहे हैं, अगर आप सांस लेंगे तो क्लोज नहीं होगा, तो पूरा खाना जो रहता है फूड पाइप का जो रहता है विंड पाइप में आ जाएगा, इसलिए हम इसको एपिग्लॉटिस जो रहता है क्लोज करता है। एपिग्लॉटिस जो रहता है हमेशा क्लोज करके नहीं रखता है, एट द टाइम ऑफ जब खाना खाते हैं। ओके, फिर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से फिर लैरिंग्स जो हमारा साउंड बॉक्स है, देख रहे हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया में जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज जो होता है आप सामने देख सकते हैं सी शेप, ये होता है 15 to 20 अबाउट नंबर होता है, हेलिन कार्टिलेज बनी होती है। ओके, हेलिन कार्टिलेज जिधर लेफ्ट लंग राइट लंग्स, ये जहां से अलग होता है बाइफर्केशन होता है, ये जो बाइफर्केट होता है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, आप देख सकते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री से बाइफर्केट होता है, एक जो बाइफर्केशन राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में जो लंग्स होता है बड़े साइज के थिकर हैवीएस्ट, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, मोटे होते हैं, हट्टे कट्टे हैं लंग्स राइट वाला। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर हम देख रखते हैं जो ट्रू रिब्स होते हैं, जो रियल में ट्रू जो सेवन पेयर ऑफ ट्रू रिब्स होते हैं उसको हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, ठीक है ना, यही इसी को हम कट करके बाहर करते हैं तो ट्रू रिब्स बाहर आते हैं, लंग्स इसके अंदर में सेफ्टी रहता है, जिसको हम थोरेसिक कैस कहते हैं। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, ठीक है, ओके, जो डायफ्राम्स हैं अब देख रहे हैं, जो डायफ्राम्स है यही डायफ्राम आप फील करके देख सकते हो जहां पे हमारा जो ट्रू वर्टिब्रस खत्म होते हैं वहां से चेक करके जो ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। तो डायफ्राम्स जो होते हैं यही हमारे, ओके, डायफ्राम हमको हमारे इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है थोरेसिक पार्ट, जो पूरा पार्ट स्टडी कर रहे हैं ये थोरेसिक पार्ट है, जहां पे हमारे पूरे डाइजेस्टिव पार्ट प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है जो मेन, वो सारे हमारे कहां रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल पार्ट। तो थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट डिवाइड कौन करता है, तो दीज आर डायफ्राम। डायफ्राम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायफ्राम के मसल्स नर्व और आर्टरी को क्या बोलते हैं, फ्रेनिक, याद रखना। इसके मसल्स वसल्स को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, फ्रेनिक, किस नाम से जानते हैं अपन, फ्रेनिक। ओके, फ्रेनिक, फ्रेनिक नर्व आर्टरी मसल्स याद रखना। ओके, फ्रेनिक नर्व आर्टरी वेसल्स, फ्रेनिक नर्व वेसल्स आर्टरी कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रेनिक मसल्स। ओके, फ्रेनिक मसल्स। तो डायफ्रामी जो रहता है थोरेसिक पार्ट्स, ओके, थोरेसिक पार्ट, दीज आर एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट, ओके, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है थोरेसिक पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट में। ओके, फिर हम देखते हैं जो सेवन पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो कट एंड ऑफ रिब्स, इसके बीच में जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, फिर अगेन टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे नाम है वैसे इसका काम उसमें रहता है। अगर हम इंस्पिरेशन है तो एक्सटर्नल यूज होगा, अगर हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो इंटरनल यूज होगा। जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसकी इसका डोम से फॉर्म होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं इधर फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, सारा स्ट्रक्चर यहीं से क्लियर होती है। और हम बात करते हैं पेराइटल, अब इसकी जो लेयर देखें तो पेराइटल प्लूरल लेयर, अब पूरा कलर कलरिंग डायग्राम से पूरा चीज देख सकते हैं, पूरा इंडिविजुअल किस नाम किस पॉइंट पर है। पेराइटल पेराइटल प्लूरल लेयर, ओके, दीज आर फ्लूइड्स, तो दैट प्लूरल प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड्स। ओके, दीज आर विसरल पेराइटल विसरल प्लूरल लेयर। ओके, फिर राइट लंग्स, दीज आर डायफ्राम्स। ओके, अगर हम राइट लंग्स की बात करें
तो राइट लंग्स अबाउट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लीवर, थ्री लोब्स टू फिशर्स राइट साइड, अपर मिडिल लोअर टू हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, थिकर लॉन्गर हेवियर एटसेट्रा, दिस आर दिस करेक्टर इज प्रेजेंट राइट लंग्स। ओके राइट लंग जस्ट अपोजिट, अगर राइट लंग की बात करें तो हमारे पास बिलो है थोड़ा सा थीनर लेफ्ट और लाइटर, ओके लाइटर है, ओके लाइटर्स शॉर्टर, और ये सारी बात कंपेयर टू राइट लंग्स। ओके अगर हम देखें फेरिंग्स ग्लॉटिस इपिलैरिंग्स ट्रेकिया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से हमारा जो बाइफर्केशन होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से बाइफर्केशन होता है, हम देख सकते हैं राइट ब्रोंकस सेकेंडरी, अपना लेफ्ट राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर हम सेकेंडरी ब्रोंकस कर लिए, फिर टर्सरी, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही हमारा देखें कि ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज आर प्रेजेंट, और इसके बाद हम देखते हैं फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसी में इसके बाद से ध्यान रखने वाली बात है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकिया बस फिर होता है रेस्पिरेटरी डक्ट, रेस्पिरेटरी डक्ट में एल्विलर डक्ट, फिर एल्विलर सेक रेस्पिरेटरी डक्ट, एल्विलर सेक, फिर एल्विलाई जो पोल्स होते हैं एल्विलाई, और फाइनल एल्विलाई जो होता है बेसिक यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ओके यहाँ पे फाइनल गैस एक्सचेंज होता है, और हमारा डायफ्राम जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेफ्ट लंग का जो फीचर्स है वो कार्डियक नोच, हार्ट प्रेजेंट होता है जिस एरिया पे, और ये डायफ्राम जो रहता है पूरे हमारे जो फ्रंट पार्ट होता है दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो है थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट। ओके तो स्टूडेंट दीज आर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट का जो फिजियोलॉजी पॉइंट्स होते हैं कि गैस, अब यहीं से हम पता कर सकते हैं कि ब्रीदिंग जो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं कि कब हम सांस को अंदर लेते हैं कब सांस बाहर निकालेंगे, तो सांस जो इन्वायरमेंट से अंदर कैसे आता है, दीज आर क्लियर। ओके चीजें ऑल आर क्लियर यहां पे। पहली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब गैस जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म होता है पॉइंट्स, ओके जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की अगर बात करें तो स्टूडेंट याद रखना इस चीज को क्लियर, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, ऑल आर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ब्रीदिंग दो पार्ट में क्लियर होता है, एक होता है इंस्पिरेशन जब हम सांस को अंदर लेते हैं, और एक तो एक्सपायरेशन जो सांस को बाहर निकालते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज को ध्यान से समझ लो, मैं सांस अंदर कैसे आ रहा है वो चीज बता रहा हूं, मैं इसमें बता रहा हूं आपको इंस्पिरेशन के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आप देखिए कोई गैस हमारे नोज से कैसे अंदर आता है, एनवायरमेंट से लंग्स में कैसे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हमको सांस अंदर लेना है तो सबसे पहले स्टार्ट जो इनिशिएट होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो डायफ्राम होता है जब सांस अंदर आएगी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान दीजिए। ओके पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके जब भी सांस को अंदर लाएंगे तो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, डायफ्राम जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा जो ये जो अपना जो लंग्स का जो रहता है, जो लंग्स रहता है एपी एक्सिस में साइज इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किस एक्सिस में, लंग्स का एपी, एपी एक्सिस में इंक्रीज होगा लंग्स, एपी इंक्रीज में लंग्स का साइज इंक्रीज होगा। एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस, एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में क्या रहेगा, लंग्स ऐसे जो खड़े हैं तो एंट्रो एंटीरियर और पोस्टीरियर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ फिर आ जाता अपना क्या बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल डॉर्सो वेंट्रली, इंटरकोस्टल मसल्स जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये जो होता है डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस, ये जो रहता है डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस इंक्रीज करता है, डॉर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मसल एक होता है लंग सामने से पीछे की तरफ इंक्रीज करता है, और इंटरकोस्टल मसल जो रिब की बात करें तो पीछे से सामने, तो दोनों का प्रेशर इंक्रीज के बाद, पहले इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर ये सेकंड में ये इंक्रीज हुआ, जब दोनों इंक्रीज करते हैं तो पूरा थोरेसिक कैविटी है, तो थोरेसिक में क्या रहता है लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मस, तो पूरा पल्मोनरी
पल्मस जो रहता है, पल्मस प्रेशर जो रहता है, पूरा जो पल्मोनरी प्रेशर जो रहता है, पल्मस प्रेशर जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। पूरा लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ, लंग्स वॉल्यूम, थोरेसिक मतलब मान लो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसके बाद जो रहता है थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जैसे ही लंग्स का बाहर का जो वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद लंग्स का अंदर इंट्रा पल्मस प्रेशर जो होता है, ये जो रहता है डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज होने के कारण जो एटमॉस्फियर जो है ऑक्सीजन, ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके थ्रू ये लंग्स में आ जाता है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट, क्लियर? बस यही एक पॉइंट्स है, बाकी ऑल आर क्लियर। क्या बोला मैं, अगर हमको सांस अंदर लेना है तो सबसे पहले जो रहता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, फ्लैट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो लंग्स जो रहता है एंड एपी एक्सिस में इंक्रीज होगा, ऐसा इंक्रीज होगा, सांस लेके देख सकते हो। और इसी के जस्ट साइमल्टेनियसली उसी के दौरान हमारा रिब्स डॉर्सोवेंट्रली एक्सिस में इंक्रीज होगा, डीवी डॉर्सोवेंट्रली पीछे से सामने की तरफ इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्या वॉल्यूम इंक्रीज हो गया? थोरेसिक। और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण हमारा जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो निगेटिव आ गया, डिक्रीज हो गया, और एटमोस्फोरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फिर क्या हुआ, अपना जो एयर है अंदर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि फिजियोलॉजी डू ने अबाउट ऑल अर्थिंग क्लियर। इस तरीके से आपको पूरा जो है कैसे चीजें क्लियर हुई, कैसे गैस अंदर आया, चीज क्लियर। ओके, थैंक यू।